दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण वितरण एवं फ्लोराइड से ग्रसित दिव्यांगजन व हाथ पैर कटे दिव्यांगजनों जिनका चिन्हांकन दिनांक 5 से 27 जुलाई के बीच विकास खंडों में आयोजित चिन्हांकन शिविर के माध्यम से किया गया था, उनको 15 से 26 दिसंबर तक विभिन्न विकास खंडों पर शिविर लगाकर लगभग 1400 दिव्यांगों को उपकरण का वितरण किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह के अनुसार 15 दिसंबर को उरवा बेलघाट में 17 को, कौड़ीराम व गघा में 18 को, सहजनवा नगर पंचायत पिपरौली व पाली में 19 को, गोला नगर पंचायत बढ़लगंज में 20 को, नगर पंचायत बांसगांव उनवल व खजनी में 21 को, कैंपियरगंज नगर पंचायत पीपीगंज जंगल कौड़िया में 22 को, ब्रह्मपुर नगर पंचायत मुंडेरा व सरदार नगर 26 को, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीतापुर नेत्र चिकित्सालय चरगवां व खोराबार तथा 27 को, नगर पंचायत पिपराइच व भटट ब्लॉक में शिविर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, 15 तारीख से एक शिविर लग रही है, उसका जो कितने दिव्यांग बच्चे हैं उन लोग का कैलिपर है और जो आम है जो भी चीज़ है उपकरण देना है उसका सर्वे हो चुका है। करीब 1400-1500 बच्चे का जो लिस्ट है हम लोग के पास, उसी लोग का जो उन लोग का 15 तारीख से लेके यहाँ 19 ब्लॉक का शिविर लगेगा, उन लोग का जो उपकरण बांटेंगे उसी का शिविर ब्लॉक वाइज लगा रही है। 15 तारीख से हम लोग का प्रारंभ होगा। किसको इसके बारे में जानकारी लेना है कृपया करके विकलांग कल्याण अधिकारी से संपर्क करें, अपने बच्चे का इन दिव्यांग बच्चे का जो भी कमी है उसी हिसाब से उपकरण मिल जाएगा बच्चे।